सिविल स्टैप हिमाचल के सभी विद्यार्थियों को योगेश का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम जो है सभी जो प्रमुख न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी जो वेबसाइट्स गवर्नमेंट वेबसाइट से हैं आपके लिए चुन चुन कर है दोस्तों करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो आपकी आपकी तैयारी में है जो जो है एक दोस्तों एक अहम जो भूमिका है ये जो करंट अफेयर सेशन है वो निभा पाए। तो सबसे पहले तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो है उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये जो नया महीना ये जो नया मास है दोस्तों इसमें भी हमें और बेहतर है प्रदर्शन करने और अच्छी मेहनत करके है दोस्तों, क्योंकि नायब तहसीलदार के एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो कभी भी आ सकती हैं। तो हमें अपनी जो तैयारी है उसको और ज्यादा है खींचना होगा। साथ ही साथ है आप इस मौसम में भी अपने आपका ख्याल भी जरूर रखें, क्योंकि अगर आप एक बार है बीमार हो जाते हैं तो फिर कई दिन तक है जो है आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो दोस्तों इसी कामना के साथ इसी उम्मीद के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। और जितने भी बच्चे आ चुके हैं सबसे एक बार निवेदन है कि सभी अपने जो दोस्तों को एक बार इन्वाइट कर दें, उनको है इस हमारे सेशन का लिंक है शेयर कर दें, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और जो है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना हम फायदा देने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स भी उस फायदे को बेनिफिट्स को ले सकें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी कर दें। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के जो है थॉट ऑफ द डे से। लेकिन उससे पहले जो बच्चे आ रहे हैं जी, समिता है, मैं कुछ नाम ले लूं, कुणाल, शिवानी, हिमांशी, महेंद्र, स्मृति, प्रदीप, हिमा, शबनम, सत्या, नितिका, अभिषेक, शिल्पा आदि, मानव जी सभी को गुड इवनिंग। और साथ ही साथ जो बाद में आएंगे उनको भी सभी को गुड इवनिंग, और जो बाद में इसे ऑफलाइन देखते हैं उन्हीं को भी दोस्तों जो है जब भी आप गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग कब भी देख रहे हैं उनको भी है बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ बच्चों ने कल एक स्टूडेंट ने कहा था, मैं हर रोज कहता हूं कि अपने सजेशंस या अपने दोस्तों जो भी आपको इसमें बदलाव चाहते हैं कुछ भी अपने वर्ड जरूर लिखा करें। तो कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आप एक क्वेश्चन जरूर पूछा करें जिसका उत्तर है आप अगले दिन दिया कीजिए। तो इसको भी आज हम शुरू करेंगे, तो डोंट वरी। तो ये भी जो है आज आपके जो है प्रोग्राम का आज हमारे सेशन का हिस्सा रहेगा। तो दोस्तों तो चलते हैं आज के सेशन में। और यहाँ पर जो है अमित वर्मा ने लिखा है, आई एम ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड। दोस्तों फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज कम्स बिफोर द अचीवमेंट। आमतौर पे होता है जब हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, हम जब दोस्तों अपने रिवीजन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज कर लेते हैं, तो अक्सर है बहुत सारे रीजंस की वजह से, चाहे वो एग्जाम टाइम पर ना हो, चाहे वो जो एग्जाम है दोस्तों जो है उसके रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग ना आ रहे हो, या फिर पैरेलली हमारी लाइफ में है कुछ और बहुत सारी चीजें चल रही हो, तो अक्सर जो है हम अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमारे जो स्टेशंस हैं हमारी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है बिल्कुल जो है बिल्कुल लास्ट के जो दो तीन स्टेशंस में से एक है। तो यहाँ पर जब आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है आप मंजिल दूर नहीं है और एक दो स्टेशंस तक है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आपको जो मंजिल है जरूर मिल जाएगी। तो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आजकल जो है जिंदगी इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है कि आप इसे एक अपनी जर्नी का अपनी जिंदगी का एक हिस्सा ही बनाकर रखेंगे या से इस तरह से ही सोच लेंगे कि ये तो साथ साथ चलती ही रहेगी, तो हम ज्यादा जो है अच्छे से दोस्तों इससे डील करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो हर तीसरे दिन है फ्रस्ट्रेशन होती है, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ये एक हिस्सा है जैसे बहुत सारे और हमारी जिंदगी के हिस्से हैं, हमारी जो अच्छाई है बुराई है खुशी है ये भी एक हिस्सा ही है हमारी लाइफ का। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और उससे पहले एक बार पद्म विभूषण के नाम मैं चाहूंगा सभी बच्चे उन चारों नाम्स को लिखकर बता दें, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में बता दें ताकि मुझे पता लग सके कि पद्म विभूषण आपको अच्छे से याद हो चुके हैं। और इसके बाद जो है आज का जो एमसीक्यू सेशन है हम उसको शुरू करेंगे। और डेली टारगेट्स अचीव ना हो तब भी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसा हो जाता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सबके साथ है। इट इज नॉट अबाउट यू एंड इट इज नॉट अबाउट मी, ये सबके साथ ही होता है। चलिए सपना ठाकुर गुड इवनिंग। तो मुझे पद्म विभूषण के हैं नाम जल्दी से बता दें, ठीक है, पद्म विभूषण के जो नाम है, ठीक है, तो बच्चों ने बताने शुरू जो है अभी तक तो नहीं किए, मैं चाहूंगा जल्दी से बता दें। प्रभा आथरे, कल्याण सिंह रावत, और एक नाम आप स्किप कर रहे हैं, दैट इज द राधा श्याम खेमका, हाँ जी राधा श्याम खेमका इज द फोर्थ नेम। चार नाम है, चारों नाम है आपको बोलने हैं, कल्याण सिंह, बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और प्रभा आत्रे, ये चार नाम है। तो दोस्तों जो है उम्मीद करूंगा जिन्होंने आंसर नहीं भी दिए उनको भी ये सारे आंसर जरूर याद होंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आज का जो प्रश्न है वो बजट में से ही लिया गया है, हालांकि आपको जो हैंडआउट्स मिल चुके हैं जिसको आप प्रिंट आउट लेते हैं
उसमें पूरी की पूरी जो है बजट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बता दिए हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था, बजट से रिलेटेड अलग से भी एक क्लास होगी, लेकिन मैं हमारे करंट अफेयर सेशन में भी काफी कुछ है बजट से रिलेटेड कवर कर ही रहा हूँ। तो आज इससे एक जुड़ी एक स्कीम है दोस्तों, ठीक है, वुमेन से जुड़ी। तो ये जो तीन स्कीम्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बोल रही है कि चाहे वो मिशन शक्ति हो, मिशन पोषण 2.0 हो, या मिशन वत्सल्या, मैं रिपीट करता हूं, मिशन शक्ति, मिशन पोषण और मिशन वत्सल्या, ये अपने आप एक अम्ब्रेला स्कीम्स होंगी। और अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब क्या है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी जो स्कीम्स हैं जो वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए चलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट चाहती है कि उन सभी सैकड़ों स्कीम को समेट के हम तीन स्कीम्स के अंडर ले हैं। तो एक कुछ स्कीम्स हैं जो जो एम्पावरमेंट से जुड़ी हैं, अब वो प्रश्न उसी तरह का होगा तो मैं इसको अभी विस्तार से नहीं बोलूंगा। कुछ स्कीम्स शक्ति के अंडर आ जाए, कुछ मिशन 2.0 के अंडर आ जाए, और कुछ वत्सल्या के अंडर आ जाए। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सी स्कीम किससे जुड़ी हुई है। तो क्या शक्ति स्कीम में वो जुड़ी हुई है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन से, क्या वत्सल्या जुड़ी हुई है चाइल्ड वेलफेयर सर्विस एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन से, या फिर मिशन 2.0 जुड़ा हुआ है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, आंगनवाड़ी, या पोषण अभियान, या स्कीम फॉर अडोल्स एंड गर्ल्स से। तो आप बताएंगे इसमें पहले दो ठीक हैं, दूसरा और तीसरा ठीक है, पहला और तीसरा ठीक है, या सारे ही जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर जो है साथ ही साथ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं जी, और जो है यहाँ पर निशा चौहान ने कुछ लिखा था, निशा आप दोबारा से उसको जो है पेस्ट कीजिए ताकि मैं दोबारा से पढ़ पाऊंगा। आपने करंट अफेयर के रिगार्डिंग कुछ मुझे कहा था, और इसमें बच्चों सभी जो है क्वेश्चंस बिल्कुल ही ठीक है। तो ये तीन स्कीम्स होंगी, मिशन पोषण 2.0, वत्सल्या और मिशन शक्ति, जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं यहाँ पर। मैं जैसे हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, अब एम्पावरमेंट कैसे की जा सकती है ना, जैसे हमारी स्कीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जैसे उसमें 10 साल तक की जो बच्चे हैं उन जो जो गर्ल चाइल्ड है उनके नाम पर एक बैंक अकाउंट था, जिसमें कि एज कंपेयर टू अदर हमारी FDRD से इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिला करता है। तो इस तरह की चाहे वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट की स्कीम्स हो, चाहे दोस्तों इसके अलावा जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं जहां पर BPL फैमिली से जुड़ी लड़कियों को जो है एक तरह से कुछ ना कुछ शगुन के तौर पे है गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करती है, या फिर उनको नए स्टार्टअप्स के लिए पैसा प्रोवाइड करती है, या फिर उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली कुछ है वुमेन सेल्स क्रिएट किए जाएं या वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किए जाएं। तो यहाँ पर जितनी भी एम्पावरमेंट है वो मिशन शक्ति, जितनी भी वेलफेयर से जुड़ी है मिशन वत्सल्या, और जितनी भी उनकी हेल्थ आप बोल लीजिए आंगनवाड़ी सर्विस, या फिर उनकी चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी स्कीम्स हैं जिसमें इवन बहुत सारी जो दोस्तों न्यूट्रिशनल टैबलेट्स हों जो हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी, ये सारी की सारी मिशन पोषण 2.0 के अंडर है अब हो जाएंगी। और ये तीन स्कीम्स हमारी अम्ब्रेला स्कीम्स होंगी। यहाँ पर मुझे आप हमारे जो डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर उनका नाम भी जरूर बता दें, ठीक है। और ये जो स्कीम है तीन अम्ब्रेला स्कीम्स में सभी स्कीम्स हैं वो निपट के रह जाएंगी, वो कवर हो जाएंगी। वेरी गुड जी, ठीक है। तो सुकन्या स्मृति उस अकाउंट का नाम है, वेरी गुड। हाँ जी, निशा जी कह रहे हैं डेली करंट अफेयर PDF रोज 5:30 आ रहा है सर टेलीग्राम चैनल पे, पहले की तरह मॉर्निंग नहीं। हाँ जी ठीक है, ये कोशिश रहेगी निशा चौहान की, थोड़ा इसको पहले है आपसे शेयर कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्मृति ईरानी इज द एग्जैक्ट आंसर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो जुड़ा है भारत और ओमान से। भारत और ओमान की एक ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की 11वीं जो है मीटिंग हुई है रिसेंटली, और ये कौन से शहर में हुई है, भारत और ओमान, ठीक है। ओमान का जिक्र हमने कल भी किया था क्योंकि वहां पर एशिया कप है रिसेंटली हुआ है जिसे जापान ने जीता है जो है वुमेन एशिया कप। तो ये दोस्तों मुंबई में हुई, मस्कट में हुई, दिल्ली में हुई, या अहमदाबाद में हुई, इन चारों में से कौन से शहर में इसे है करवाया गया था। अब ओमान की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है हमारा, अरेबियन सी के साथ ही इसकी बाउंड्रीज मिलती हैं, और चाहे वो सऊदी अरेबिया इसका वन ऑफ द पड़ोसी है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि अरेबियन सी में इसके साथ हमारा डिफेंस कॉपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अभी मैं आपको ज्योग्राफिकल मैप भी दिखाऊंगा इसकी पोजीशन को लेकर। और ये जो समिट है रिसेंटली दिल्ली में हुई जिसको लीड किया हमारे राजनाथ सिंह ने, और मैप की बात करें एक तरफ UAE, एक तरफ सऊदी अरेबिया, और तीसरी तरफ यमन, ये इसके पड़ोसी मुल्क हैं। और ये दोस्तों जब हम बात करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और उसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट हम देखें ओमान के साथ है, अरेबियन सी हमें ओमान के साथ जोड़ता है। इसकी जो कैपिटल है वो मस्कट है, और इसकी जो करेंसी है दैट इज द रियाल। हाँ जी ठीक है, RIAL, रियाल इज द करेंसी ऑफ ओमान। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी का मीटिंग हुआ था।
तो आपको कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज की कोई बात नहीं की है, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज तो आपको पिछले 2-3 महीने में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जिनके भी आपको नाम याद है, तो वो एक बार जरूर है मुझे आप बता दें, ठीक है। जितने भी आपको नाम याद हैं, 2-3 का जो जिक्र हमने कल ही किया था, ठीक है। और अब बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को पता लगने लगा कि सर किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहली अफसर ने चिरू का नाम लिख दिया, और चिरू मतलब चाइना, ईरान और रशिया, ठीक है। तो साथ ही साथ अमित कुमार काफी कुछ लिख रहे हैं कि सर DUQM पोर्ट इज एन इंडियन कंट्रोल, ओमान हैज गिवन द पार्ट टू इंडिया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस कमेटी की हम समिट से जुड़े जो है दिल्ली में हुई थी, और चलो एक और जो है समिट से जुड़ा भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कमेटी की मीटिंग हुई है। तो कल हमने जो है क्वाड क्वाड का जो समिट की भी बात की थी कि इस महीने क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट होगी, कहाँ पर होगी। इस साल ब्रिक्स की समिट कहाँ होगी वो भी जल्दी से बता दे। इस साल G20 की समिट कहाँ होगी ये भी मुझे जल्दी से आप बता सकते हो। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर साथ साथ आपको बोलने हैं। और जो पश्चिम लहर की यहाँ पर बात हो चुकी है, इसके अलावा सी ड्रैगन की यहाँ पर बात हो चुकी है, वेरी गुड, ठीक है। और इन तीनों के जो उत्तर है क्वाड ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिक्स चाइना में, और G20 है इस साल, किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं बताया वैसे, इंडोनेशिया में है इस साल, उसे जो है इंडोनेशिया उसे इस साल होस्ट करेगा, ठीक है। इंडोनेशिया का मुझे आप कैपिटल भी जल्दी से बता सकते हैं, क्योंकि अब वो जकार्ता नहीं रहा, जकार्ता से उसे चेंज कर दिया गया है। तो साथ ही साथ मैं चलता हूं तीसरे प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि सभी साथियों के साथ दोस्तों जो है हमारा सेशन है उसे शेयर जरूर कर दें, इसे इनवाइट कर दें बच्चों को। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा भी था अभी कि सर जो है आजकल लेट क्यों आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में या कल से इसको थोड़ा जल्दी आपको है प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसके आने का लेट का मतलब भी ये है कि दोस्तों जो करंट क्वेश्चंस हैं, ताकि जो आपको जो आज के बहुत सारे जो करंट या कल के जो है करंट, दोस्तों कल रात तक के करंट, इवन जो न्यूज़पेपर्स में भी कवर नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, या मतलब आमतौर पर जो मैं शाम को पढ़ाता हूँ, 2-3 न्यूज ऐसी होती है जो अगले दिन आके आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जहां से गवर्नमेंट अपना अपडेट करती है PIB, वहां से बड़े सारे जो क्वेश्चंस हैं निकाल निकाल के छांट छांट के आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन कोशिश रहेगी इसे थोड़ा और जल्दी है किया जाए। तो दोस्तों जो है उसका जो कैपिटल है दैट इज द लुसांतरा। अब चलते हैं स्पोर्ट्स पे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ रिसेंटली, हालांकि डोमेस्टिक टूर्नामेंट है तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने कवर जरूर किया है। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो दोस्तों इसको अभी रिसेंटली जो कटक में हुआ, मेंस सिंगल्स टाइटल्स के विनर कौन थे, तो ये बैडमिंटन से जुड़ा टूर्नामेंट है। किरण जॉर्ज, नूर मोहम्मद, अर्जिया अयुब, लिम किम वहा या सचिन देहास। और साथ ही साथ है, अब मैं और भी 3-4 प्रश्न पूछूंगा आपसे, और बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदाजा भी लगा चुके होंगे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं उन्नति हुड्डा बोल रहे हैं गोल्डी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्नति हुड्डा फीमेल्स भी विनर है, उनका जिक्र भी होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो विनर है वो किरण जॉर्ज हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो है आपको ध्यान से देखना है। अब देखो उन्नति हुड्डा न्यूज में जरूर थी, तस्वीर भी मैंने लगाई है, और ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि ये 14 साल की जो लड़की है, रोहतक की लड़की है, इसने जो है इस साल ये टूर्नामेंट देखो 14 वर्षीय लड़की ने जीत लिया है, और जो है मेंस में ये किरण जॉर्ज ने जीता है। इन दोनों के विनर्स आपको जरूर पता हो। साथ ही साथ जल्दी से मुझे आप ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस और वुमेन्स विनर हैं आप जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं उड़ीसा से अगर जिक्र चला है तो उड़ीसा से जुड़ी जल्दी से 2-3 चीजें आपको बता दूं। सबसे पहले तो नेक्स्ट ईयर 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो भारत में उड़ीसा में होगा। दूसरा दोस्तों जो है उड़ीसा है, उड़ीसा की ही जो गवर्नमेंट है उसने भारत की, चाहे वो इंडियन हॉकी टीम मेंस हो चाहे वो वुमेन्स हो, उसको 2025 तक की जो स्पॉन्सरशिप दी हुई है, जैसे हमने बात की थी IPL को टाटा स्पॉन्सर कर रहा है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, वैसे ही हॉकी के लिए कोई कंपनी आगे नहीं आती तो उड़ीसा गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर कर रही है। और इस साल जो हम बात कर रहे थे, अगले साल जो हॉकी वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में होगा, और उड़ीसा का एक शहर है रुड़केला, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी रुड़केला में बनकर कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों मेरे जो उत्तर है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर राफेल नडाल एंड दैट इज द एश बार्टले। हाँ जी ये दोनों जो है विनर्स हैं। एश बार्टले ने अपनी जिंदगी का 3रा ग्रैंड स्लैम जीता यहाँ पर, और जो हमारे राफेल नडाल हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का 21वां ग्रैंड स्लैम जीता, जिसमें कि हालांकि सबसे ज्यादा इन्होंने ग्रैंड स्लैम फ्रेंच जीते हैं, और ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम था, और इसके बाद फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन, और लास्ट में हमारा US ओपन होगा। यहाँ पर सभी बच्चों को एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ,
कि दोस्तों इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो कौन से प्लेयर थे जिनको वैक्सीनेशन ना लगने की वजह से है इसे निकाल दिया गया था, खेलने से मना कर दिया गया था। उनका नाम भी मुझे जल्दी से आप बता सकते हैं। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और इसके साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और इस प्रश्न से एक और जो है क्वेश्चन आपको जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि ये लड़की हरियाणा से है, तो साइना नेहवाल मुझे याद आ गई। साइना नेहवाल को लेकर है हिमाचल गवर्नमेंट जो है रिसेंटली न्यूज में भी थी क्योंकि धर्मशाला में एक एकेडमी का फाउंडेशन रखना चाहती थी हिमाचल गवर्नमेंट, लेकिन उसके ऊपर अभी तक फाइनल अप्रूवल है वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और जो चौथा प्रश्न है वो है कि रिसेंटली कौन सी भारतीय इंडियन ऐसी कंपनी है जो पहली भारतीय स्पोर्ट्स कंपनी है जिसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आप दे ही दे रहे हैं साथ साथ। दोस्तों एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है या एक बड़ी ऐतिहासिक स्टोरी हम बोल सकते हैं कि कहा जाता है कि अमेरिका में जो दौर चलता है, अमेरिका में जो ट्रेंड चलता है, उसके 20-30 साल बाद वही ट्रेंड बाद में भारत में चलते हैं। तो बड़ी बार ऐसी बात हुआ करती थी कि 1990 का दशक था तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो अमेरिका में शुरू हुए थे तो दोस्तों 20-25 साल में आज दुनिया उन्होंने कंट्रोल में की हुई है। जैसे 90 से थोड़ा सा पहले है माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई, उसी दौर में है गूगल शुरू हुआ, उसी दौर में है हमारा जो है दोस्तों उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ एप्पल शुरू हुआ, फिर उसके बाद अमेजोन की बात कर सकता हूँ मैं, फेसबुक की बात कर सकता हूँ। तो ये जो स्टार्टअप्स उस टाइम पीरियड हुए आज पूरी दुनिया को बहुत बड़े लेवल पे वॉलमार्ट बात कर सकता हूँ कंट्रोल कर रहे हैं। और पिछले 2-3 साल से ये हम बात कर सकते हैं भारत में भी ये स्टार्टअप का एक बहुत सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी ही यंग एज में जो है अब ये जो कंपनीज हैं मतलब इनके जो कंपनीज को जो सीईओज हैं सिर्फ 30 और 40 वर्ष के बीच बीच मतलब अपनी जो जिंदगी के 40 वर्ष से पहले ही इतने बड़े लेवल पे वो पहुंच रहे हैं और उन्हें हम यूनिकॉर्न बोल देते हैं। यूनिकॉर्न उस कंपनी का नाम है जो कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू $1 बिलियन बन जाती है। $1 मिलियन का मतलब है लगभग लगभग 7200 या 7300 करोड़ से ज्यादा का जो मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों ये इतनी जल्दी 5-7-10 साल में ही इतनी बड़ी वैल्यू कैसे बना पाते हैं तो इसके बारे में जरा सोचिए, क्योंकि हमारे पास भी जिंदगी में आगे बढ़ने का दोस्तों जो है चांस है और अभी हम उस स्टेज में है, हम यंग हैं और अब भारत के उस दौर में जी रहे हैं जब स्टार्टअप्स का जमाना चल रहा है। क्योंकि जब 2040-50 में हम बात करेंगे एक दूसरे से या आपसे कोई और युवा पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे, कम से कम हमें पता जरूर होना चाहिए कि ये जो 2020-22 का दौर है तब जो है स्टार्टअप्स में हम क्यों नहीं इस तरह सोच पाए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और भारत की ये जो चेन्नई सुपर किंग है दोस्तों 2008 में है ये आईपीएल की ऑक्शंस हुई थी और अब सबसे पहली जो यूनिकॉर्न कंपनी है मतलब जो लगभग 7200-7300 करोड़ से ज्यादा का जो टर्नओवर मार्केट वैल्यू हो चुकी है वो हमारी सुपर किंग्स है। हालांकि देखो बड़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस रही, दूसरी सक्सेसफुल टीम है लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी रही दोस्तों मार्केट वैल्यू ज्यादा है। और हम बात करें इंडिया सीमेंट, इस चेन्नई सुपर किंग्स की पेरेंट कंपनी है इंडिया सीमेंट्स जो कि जो है एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। और एन श्रीनिवासन शायद आपने नाम सुना होगा, किसी टाइम में बीसीसीआई के वो चेयरमैन हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापित की गई ये जो कंपनी है ये जो 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 टीम है ये जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है अब $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू हो चुकी है। और यहाँ पर कुछ और कंपनीज हैं, वैसे अब भारत की लगभग 85 से ज्यादा कंपनीज हैं यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं और भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पे है आफ्टर द यूएसए एंड चाइना जहां पर यूनिकॉर्न्स कंपनी है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो 2021 में यूनिकॉर्न हो चुकी, जैसे कि जस्ट डायल आपने जरूर नाम सुना होगा, ओला। अब देखो काम क्या करता है जस्ट डायल, ठीक है, पूरी आपको किसी भी शहर में जाना हो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो बसेस के बारे में, आपको सिनेमास के बारे में, होटल्स के बारे में, कि छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े होटल्स के बारे में जानना हो तो आपको जस्ट डायल को इंफॉर्मेशन देता है। और अब ये 7000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी है। अब स्नैपडील दोस्तों, फिर भीम है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, ठीक है, इसके अलावा भीम है, पेटीएम है, बाइजू है, हाइक, जोमेटो, क्विकर, इसके अलावा और हमने लेटेस्ट भी पढ़ा था 3-4 दिन पहले लेटेस्ट एक कंपनी बनी थी कुछ बी से उसका नाम था। तो बड़ी सारी जो है अब ये जो कंपनीज हैं अपने 5-7-8 साल के टाइम पीरियड में ही यूनिकॉर्न स्टेटस है वो हासिल कर रही हैं। तो इसके बारे में भी जरूर है आप सोचें और जरूर है इनके बारे में R&D करें, ठीक है। और यहाँ पर जो है बच्चे कुछ लिख रहे हैं, आप जो है लोग खरीद लेना मुझे,
महेंद्र सिंह बोल रहे हैं, एप्पल जो है, एप्पल राजमा नट्स ड्राई फ्रूट्स ऑफ सीबीए। हाँ जी, तो दोस्तों साथ ही साथ काफी कुछ लिख रहे हैं, चलिए, ग्लोबल बीज उसका नाम था। वेरी गुड, वेरी गुड जी, दोस्तों जो है, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपको इनका नाम भी याद है और साथ ही साथ है दोस्तों, हमें जरूर पता हो कि जिंदगी में बढ़ने के जो है कई सारे जो ऑप्शंस होने चाहिए, उनमें से हम भी जो है, आप में से भी एक जो कोई कोई जो लड़का या लड़की हो सकता है जो कल को एक यूनिकॉर्न कंपनी की स्थापना कर दे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये जुड़ा है हमारे बजट से। ठीक है, तो बजट से जुड़ा ये प्रश्न है। तो यूनियन बजट 2022-23 जो कल प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारमन जी ने, जिसके बारे में पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बेसिक जो है चीजें बता चुका हूं। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो है लगभग 45 लाख करोड़, मतलब 39,45 जो है दोस्तों हजार करोड़ है इसका जो टोटल बजट का वैल्यू था। मतलब इतना पैसा है दोस्तों हम आने वाले दिनों में है जो रखा है बजट के लिए, इतना खर्च करेंगे। फिर डिजिटल रूपी जो है इशू किया जाएगा, डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन है, डॉजी कॉइन है दोस्तों, उस तरह से डिजिटल रूपी है आरबीआई इशू करेगा। और सबसे ज्यादा जो पैसा है वो एलोकेट किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में। तो ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, दो ठीक हैं, दूसरा और तीसरा ठीक है, तीसरा और पहला ठीक है, सारे ही ठीक हैं। तो यहाँ पर जल्दी से उत्तर दे दें। और शुशांक जो है वासु बता रहे हैं आर्टिकल 112 से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, एएफसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोकसभा में इसे प्रेजेंट किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रेजेंट करते हैं। 2017 के बाद 1 फरवरी को ये प्रेजेंट किया जाता है, इसी दिन रेलवे बजट प्रेजेंट किया जाता है। पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे ही चुका हूं। तो दोस्तों इसमें जो उत्तर है दैट इज द डी, सभी पॉइंट्स इसमें बिल्कुल ही ठीक हैं। अब कुछ और बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले चाहूंगा दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को, लाइक जरूर कर दें और इसे एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ है शेयर कर सकते हैं बिना किसी कंजूसी के। तो सबसे पहले हम जो है, मुझे दोस्तों ये जो लिस्ट मिली जहां पर हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा जो डिफेंस में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपया है, 5,25,166 करोड़ बजट। दोस्तों ये डर का दौर चल रहा है, जैसे मैंने अभी बात की कि स्टार्टअप्स का दौर है, साथ ही साथ ही डर का माहौल है। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, रशिया कहां पर अटैक करेगा, यूएसए की पॉलिसी कहां पर होगी, हमारा पड़ोसी हम पर जो है हमला कर सकता है। अब हमला, अब मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो लाइन जो है पार्लियामेंट में दिए गए भाषण की याद आ गई दोस्तों, जब 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था कि अगर हम ताकतवर होंगे, अगर हमारे पास सभी तरह के आधुनिक हथियार होंगे तो पड़ोसी या कोई भी मुल्क हम पर हमला ही नहीं करेगा। तो शायद उसी वजह से अब डिफेंस के ऊपर इतना ज्यादा खर्च हो रहा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च है कंज्यूमर अफेयर्स पर वो है 2,17,000 करोड़। तो अब पहला जो सबसे बड़ा खर्च है और दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च है उनमें अगर डिफरेंस ही देखें तो लगभग 3 लाख करोड़ का सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है। फिर तीसरा हमने रोड एंड ट्रांसपोर्ट पर, फिर होम अफेयर्स, रेलवेज, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर दोस्तों कॉम्स, फिर हाउसिंग अर्बन अफेयर और हाउसिंग। तो पूरी की पूरी एक लिस्ट दी हुई है, तो आपको इनके नंबर तो नहीं याद रखने, लेकिन पहले तीन सबसे ज्यादा जो एलोकेटेड बजट है जिसमें पहले डिफेंस है, फिर कंज्यूमर अफेयर है और तीसरा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, ये आपको जरूर याद रख लेने हैं। अब मैं छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं उनको भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन बच्चों कुछ बोल रहे हैं नेवी इज गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। हाँ जी ठीक है, नेवी के लिए बजट बढ़ा दिया है इस बार, ठीक है, हाँ जी वेरी गुड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने अब जो है लास्ट ईयर जो एक परंपरा शुरू की थी बही खाता, तो इस बार वो बही खाते की बजाय गवर्नमेंट जो निर्मला सीतारमन जी है मेड इन इंडिया टैबलेट लेकर आई थी और उस टैबलेट से ही इस बजट को पढ़ा गया, मेड इन इंडिया टैबलेट्स, ठीक है, इसको याद रखना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गवर्नमेंट बताया है कि जो 1 रुपया वो कमाएगी, वो अर्न करेगी, उसमें से 1 रुपये में से 58 जो पैसे हैं, 58 जो पैसे हैं उसे टैक्स से हैं दोस्तों कलेक्ट होंगे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। इसके अलावा 35 पैसे हैं जो उधार लिए जाएंगे, मतलब हमारी इनकम्स बड़ी कम है ना, इसका मतलब है कि 35% जो हम अपने बजट की जो आपूर्ति है वो बाहर से जो दोस्तों उधार लेकर, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो अन्य अन्य संस्थाएं हो, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस हो, वहां से है पैसा लेकर उसे पूरा करेंगे। 5 पैसे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि हम सबसे बड़ा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू मानते हैं डिस इन्वेस्टमेंट का, जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं उसमें से उसे बेच कर है जो पैसा अर्न किया जाता है। फिर 2 पैसा है नॉन डेप्ट कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो ये मोटे तौर पे जहां से पैसा है
कब आया जाएगा। यहाँ पर एक बात को मैं फोकस करना चाहता हूं, जब हम बात करते हैं टैक्सेस की, जो 58% है, 58% गवर्नमेंट की इनकम का स्रोत है। दोस्तों टैक्स आमतौर पे दो तरह का है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स है, जो जो है दोस्तों, अगर सिंपल डेफिनेशन अगर इसकी मैं आपको बताऊं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो जिस भी पर्सन के ऊपर, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है, अगर वही जो है गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, जैसे कि इनकम टैक्स। लेकिन मान लीजिए जहां पर वो इम्पोज हो रहा है, ठीक है, इम्पोज कहीं और हो रहा है और दे उसे कोई और है, जैसे कि आप किसी होटल में स्टे करते हैं, टैक्स उस होटल पर लग रहा है लेकिन उसे पेमेंट है कस्टमर कर रहा है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बड़ा सिंपल भाषा में आपको बताया है। तो गवर्नमेंट की अगर हम टैक्सेस की ये जो हिस्ट्री देखें, तो भारत में तो हम बोलते हैं 90% से भी ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट से ही होती है। तो यू आर द टैक्स पेयर दोस्तों, गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट को चुनिए, उसी सरकार को चुनिए जो आपके द्वारा दिए गए इस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाए, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति, ये सात बड़े जो दोस्तों जो सेक्टर्स हैं जहां पर हमें काम करना है, गतिशक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर स्पेशली सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस करने को है, गवर्नमेंट इस पर तत्पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात करें, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स का इन्होंने बात करी है, और साथ ही साथ फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टअप्स को लेकर भी गवर्नमेंट बड़ी गंभीर है इस साल। हाँ जी, ठीक है, फिर हम चलें थोड़े से और बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हालांकि पूरी लिस्ट है आपको जो है फाइल में मिली हुई है, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि इन्होंने कहा कि अब हमें अगले जो 25 वर्ष हैं दोस्तों उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि 100 वर्ष जो आजादी के जो 100 ईयर्स होंगे, जैसे 75 ईयर्स हमने अमृत महोत्सव के नाम से है, तो 100 ईयर्स अमृत काल है, और नेक्स्ट जो उसका एक ब्लू प्रिंट है गवर्नमेंट ने रखा है, उसका फाउंडेशन रखना है, ताकि 100 वर्ष के लिए हम जो टारगेट्स रखे हैं उनको कंप्लीट किए जा सकें। इसके अलावा भारत के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्हें चूज करके वहां पर दोस्तों 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित किए जाएंगे, ताकि पूरे भारत में डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन दिया जाए, लोगों को उसकी अवेयरनेस दिए जाए। फिर जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, आमतौर पे स्टार्टअप को लेकर जो है बैंक्स हमेशा जो है दोस्तों प्रॉब्लम में रहते हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री को लेकर, कि जो पैसा लोन्स की फॉर्म में दिया जाता है किसी भी एमएसएमई इंडस्ट्री को, वो पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो उसको जो इंश्योर करता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो उसको दोस्तों एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और ऐसी उम्मीद है 50,000 करोड़ से दोस्तों है 5,00,000 करोड़ अब इसे कर दिया जाएगा। फिर डिजिटल रूपी है, आप सबको कल भी बता दिया था, डिजिटल रूपी जैसे हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन हो या डॉजी कॉइन हो, वैसे ही एक भारत में आरबीआई द्वारा एक डिजिटल कॉइन है, आरबीआई द्वारा इशू किया जाएगा। इसी वर्ष 5G स्पेक्ट्रम की जो है दोस्तों एलोकेशन हो जाएगी, वो अपनी सर्विसेज शुरू कर देगा, जैसे अमेरिका में तो ऑलरेडी शुरू हो ही चुकी हैं, जब हमने पढ़ा था एयर इंडिया अपनी जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उसने बंद कर दी थी 5G की सर्विसेज के कारण, आपको जरूर याद होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा आप कारोबार करते हैं, आप उसने बाय किया है, तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को उसको जो है ट्रांसफर करते हैं, तो उसके ऊपर आपको 30% है टैक्स देना पड़ेगा, और साथ ही साथ 1% है ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लगेंगे, तो टोटल 31% जो टैक्स है आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बेचने या खरीदने में वो प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इतना बड़ा बहुत ही ज्यादा टैक्स इन्होंने लगा दिया। फिर इसके अलावा 400 जो है वंदे मातरम ट्रेन्स का अगर जिक्र करूं, जिनकी लगभग स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा से होगी, 400 नई वंदे मातरम ट्रेन्स शुरू की जाएंगी, ओवर 2000 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क टू बी ब्रॉड, और 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का जो रेल नेटवर्क है उसे इस साल है दोस्तों अंडर द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कवच, एक कवच नाम का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत है उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। फिर जो नेचुरल फार्मिंग है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग है, उसे भारत में प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे हमने हिमाचल में भी पढ़ा पिछले दिनों कि जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा आने वाले वक्त में, ताकि जो लोगों की जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा नई एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों को अपॉर्चुनिटीज बन सके। फिर ड्रोन्स को लेकर बहुत ही बड़ा जो स्कोप गवर्नमेंट ने कहा है दोस्तों, जो ड्रोन्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, ताकि एटलीस्ट जो यहाँ पर जो है ड्रोन्स को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में ही नहीं,
क्रॉप्स की जो है फसलों की असेसमेंट के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के लिए, या फिर जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, आमतौर पे जो जो दोस्तों पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हैं जो फार्मर्स हैं एक छोटी सी आपको पता है ट्रॉली जो है अपने पीछे लगा के स्प्रे करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ड्रोन से है स्प्रे करवाई जाएगी ताकि फार्मर्स की सेहत पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए है, गवर्नमेंट ने बोला है। फिर दोस्तों नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, आप सबको पता है हिमाचल में स्पेशली पहाड़ी इलाकों में इसकी बहुत जरूरत है, तो रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ट्रिपल पी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से इसे पूरा किया जाएगा। रिसेंटली मैंने पढ़ा था चाहे कसौली हो चाहे वो धर्मशाला मकलोडगंज हो, बड़े सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं पीपी मॉडल से उनको किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनको मैं कल आपको पढ़ा चुका था, चाहे वो हमारा दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो, कुछ पिक्टोग्राफिक्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए थे ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसान रहे। तो बड़े सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, हालांकि मैं फिर बच्चों को बताना चाहूंगा कि हमारे जो सिविल स्टैप की जो टीम है इसके ऊपर एक अलग से एक सेशन भी वो बड़ी जल्दी है आपके समक्ष पेश करेगी। तो दोस्तों बड़ी सारी चीजें कवर कर दी हैं, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ भी जरूर आ गई होंगी, और इसको आप अच्छे से एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, ताकि वैसे मैंने चीजें बहुत कम कम करके जो बड़ी महत्वपूर्ण है उनको कवर कर ही दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न है वो जुड़ा है सेहत स्कीम से जुड़ा, और जिसमें कि होम डिलीवरी होगी मेडिसिन की और जो है टेली मेडिसिन भी की जाएगी। तो हम बताएंगे कि ये जो सेहत स्कीम है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका जो पूरा नाम है, आप सबको पता है हमारे अश्विनी वैष्णव जी इसके मंत्री हैं, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री, तो इसका उत्तर क्या है, ठीक है। तो उत्तर जो है अब बच्चों को आना शुरू हो चुका है, और यहाँ पर सर अमृत काल वाला बता दो एक बार, अमृत काल एक नाम दिया गया है आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, जैसे 75 ईयर्स सेलिब्रेशन इज आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन 100 ईयर्स होगा अमृत काल। अब कल हो सकता है कोई नई गवर्नमेंट आए तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 25 वर्ष का समय है इसमें बचा हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली में इसे शुरू किया गया है, और दिल्ली में इसे क्यों शुरू किया गया, ताकि डिफेंस से जुड़े जो वेटरन्स हैं चाहे वो किसी भी दोस्तों फोर्स से हों, नेवी से हों, एयरफोर्स से हों या आर्मी से हों, सभी को है अब घर बैठे होम डिलीवरी होगी, और इसकी जो सुविधा है उसके लिए जो पैसा जो खर्च होगा सेहत स्कीम के तहत है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो जो है यहाँ पर कवर देगी, वो इसे प्रोड्यूस करेगी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आमतौर पे सेहत स्कीम देखकर या होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन देखकर हमारा उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो सकता था, लेकिन इसका जो सही उत्तर डिफेंस मिनिस्टर और राजनाथ सिंह ने इसे वर्चुअल तौर पर है लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला सेक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है, और जो है उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी किसी भी तरह का डाउट है तो जल्दी से आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपकी तरफ से है मुझे ग्रीन सिग्नल मिल सके दोस्तों सब कुछ क्लियर होने का भी और आगे बढ़ने का भी। और साथ ही साथ चाहूंगा कि दोस्तों सेशन को है शेयर और लाइक है जरूर कर दें आगे से आगे, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो हिमाचल के बच्चे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें, और हिमाचल के बच्चों को है दोस्तों और जो है बेहतर जो है जो 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 सर्विसेज हैं चाहे वो करंट अफेयर, बड़े सारे और सेशन चलते हैं। साथ ही साथ जो है मैं कल भी आपको बताया था आरंभ सीरीज है, ठीक है, वो हमारी ऑल कंप्लीट हो चुकी है, पूरे के पूरे जो हमारे लेक्चर्स हैं अगर आप इन फ्यूचर यूपीएससी या किसी भी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट को हमारे पोर्टल पे जाके है दोस्तों देखिए जरूर, और पूरी एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं तक की हमने उसमें कवर की हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तो ऑल क्लियर है जी, और उम्मीद करूंगा कि जिन्होंने ऑल क्लियर नहीं लिखा उनको भी काफी हद तक क्लियर होगा। चलते हैं आगे, तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, हालांकि बजट की वजह से हम देखते हैं, हाँ जी सर ऐसे ही टेढ़े क्वेश्चंस पूछते हैं, हाँ जी चलिए। तो आज वैसे बजट की वजह से जो है बड़ी कम और जो है न्यूज मिल पाई, लेकिन दो तीन और महत्वपूर्ण न्यूज मिली तो उनको कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों सबसे पहला है दिल्ली में जो है हमारे जो जो भारतीय गवर्नमेंट ने है फैसला लिया है, हमारी जो स्पोर्ट्स से जुड़ी अथॉरिटी है, कि दिल्ली में जो हमारा ओलंपिक्स जो विलेज है, ठीक है, उसके आसपास 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत के उन खिलाड़ी जिन्होंने अभी 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था वहां पर जो बेहतर प्रदर्शन किया था, तो सभी
प्लेयर्स जिसमें से नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया हो, चाहे वो पीवी सिंधु हो, तो उन सभी प्लेयर्स के स्टैच्यूज लगाए जाएंगे। बड़ा भारी पैसा खर्च होने वाला है, लगभग 19 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, रवि दहिया का स्पेशली यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो टू सेलिब्रेट इंडिया सक्सेस, क्योंकि जितने भी भारत आज तक भारत ने पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक्स गेम्स में, तो आज तक की सबसे बेहतर प्रदर्शन है, चाहे वो ओलंपिक्स में हो चाहे वो पैरालंपिक्स में हो। यहाँ पर बच्चों को ये जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर हम समर ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, और ये स्पेशली मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अभी इस महीने विंटर ओलंपिक्स भी शुरू हो जाएंगे। और आज न्यूज पेपर में ये भी था कि भारत की तरफ से जो डेलीगेशन है मिनिस्टर्स का, 4 मिनिस्टर्स का डेलीगेशन है, वहां जाएगा ऑफिशियली। क्योंकि मिनिस्टर्स के डेलीगेशन की बात करें, स्पेशली इसलिए भी जिक्र कर रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे या दोस्तों और कई सारे देश हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल डेलीगेशन भेजने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो चाइना इस बार इसे विंटर गेम्स को शुरू कर रहा है, और वो वहां अपने कंट्री में दोस्तों बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर है अत्याचार कर रहा है, ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रही है, जिस वजह से उन्होंने ऑफिशियली तौर पे है उसका बायकॉट किया। लेकिन भारत की तरफ से जरूर जाएंगे और विंटर ओलंपिक्स होंगे, और विंटर ओलंपिक्स है जो है दोस्तों जिसमें विंटर स्पोर्ट्स मतलब बर्फ से जुड़े जो स्पोर्ट्स हैं वही ज्यादातर खेले जाते हैं। विंटर स्पोर्ट्स से याद रखिए, कल मैंने आपसे वर्ल्ड स्पोर्ट्स की भी बात की थी, वर्ल्ड गेम्स की भी बात की थी, उनका जिक्र भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है, पीआर श्रीजेश का, जब मैंने आपसे जिक्र किया था पीआर श्रीजेश जिनको एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। अब समर ओलंपिक्स में बड़े सारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन था, और इस वजह से इन सभी का 1 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच में है स्टैच्यू लगाया जाएगा नॉर्थ दिल्ली में, तो इसे याद रखना है। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर है, और भारत में जैवलिन थ्रोअर डे जो है कब जो है गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व करने को कहा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि इसी दिन इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, और जो है टोक्यो में हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से अगर मैं पूरे के पूरे ओलंपिक्स से जुड़े क्वेश्चंस कर दूं, तो समर ओलंपिक्स की अगर मैं बात कर लूं, भारत आज तक जो है टोटल जो है 8 मेडल्स है, 8 गोल्ड मेडल्स है हॉकी में लेकर आया है। इसके अलावा जो है जिक्र करूं मैं अनुभव बिंद्रा का जिक्र कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नीरज चोपड़ा का जिक्र कर सकता हूं। भारत की तरफ से बड़े कम हैं गोल्ड मेडल आए हैं आज तक, और ये जो कम जो नाम है उनमें से नीरज चोपड़ा भी इनमें से एक है। और 7 अगस्त है जो है, 7 अगस्त को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं जैवलिन थ्रोअर डे, हाँ जी ठीक है। और साथ ही साथ है समिता बड़ियाल बोल रहे हैं थैंक्स अमिता मैम, शायद कोई उत्तर दिया होगा उन्होंने। और साथ ही साथ जो है ये पूरी की अभिषेक पठानिया ने डिस्क्रिप्शन दे दी है कि उन्होंने लगभग 87.5 मीटर लंबा जो है थ्रो फेंका था, जिस वजह से 7 अगस्त को गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो है उनके जो उपलक्ष में करेंगे। वेरी गुड, हाँ जी ठीक है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, 6 इन हॉकी, 8 हैं सुदेश ठाकुर जी, 6 लगातार थे 1928 से 1956 तक, फिर 1968 हो, फिर 1980 हो, 8 गोल्ड मेडल्स आए हैं हॉकी में आज तक, ठीक है। सबसे पहले अभिनव बिंद्रा का था जो था, बिल्कुल वो इंडिविजुअल था, महेंद्र सिंह इंडिविजुअल जो है स्तर पर वो अभिनव बिंद्रा का ही था। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है ये हालांकि कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन उसमें हमारे भी कुछ एक फैक्ट है बन गया था, क्योंकि मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस में था कि जो हमारे शशि थरूर जी हैं तो वो हमेशा जो है बड़े मुद्दों को टच करते हैं, छूते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बोला केरला गवर्नमेंट को, क्योंकि केरला से ही ये लोकसभा के मेंबर हैं, तो इन्होंने केरला गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि जो वंदे मातरम ट्रेन हैं, आप सबको अभी बताया था ना कि वंदे मातरम ट्रेन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम शुरू करेंगे इस वर्ष, कितनी वंदे मातरम ट्रेन शुरू करने के बारे में कहा है उत्तर जरूर दीजिए। तो अब जो है उन्होंने कहा है कि जो केरला गवर्नमेंट का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए। रीथिंक क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका विरोध बड़ी सारी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि इसका एक तो बजट बहुत बड़ा था, और बड़ा बजट होने के कारण जो है वहां पर की जो ओपोजिशन पार्टीज हैं बोल रही हैं कि इनको वेलफेयर स्कीम लगाना चाहिए, और ये जो कॉरिडोर है तो इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसा केरला गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, और शायद ही वो इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को जो है वो अपना कैंसिल करेगी। तो क्योंकि उनका आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है केरला में शुरू होने वाला, आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे गवर्नमेंट बोल रही है बहुत सारे जो रोजगार के साधन भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे होगी। तो वंदे मातरम ट्रेन 400 है वो शुरू होंगी, ठीक है। तो सिर्फ जो है आपको बताना था, और जो है शशि थरूर जी बड़े ही फेमस, और सबसे ज्यादा जो इनकी पॉपुलैरिटी है
शायद आप में से बड़े सारे बच्चों को ना पता हो, तो जो है इनकी सबसे बड़ी जो पॉपुलैरिटी है वो इनकी इंग्लिश की वोकैब की वजह से है, वो इंग्लिश बोलने की वजह से है। क्योंकि कहा जाए जब ये बोलते हैं, अगर ये इंग्लिश के 50 शब्द बोलेंगे तो उनमें से जो है बड़े सारे जो इंग्लिश के जो जो माहिर जो लोग हैं जो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं उनको भी 15-20 शब्द हैं ऐसे मिल जाएंगे जिसका अर्थ उन्हें भी नहीं पता होगा। और इनसे दोस्तों बड़े सारे जो है मीम भी इनके ऊपर बनते हैं इनकी इंग्लिश के कारण। और जो बड़े मतलब हम पढ़े लिखे एक शब्द मुझे लगता है बड़ा सही नहीं होगा, तो बहुत बड़े रीडर हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और हमेशा ये कहते हैं अगर आपको भी अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो किताबें हो। तो ये भी जो है साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा ताकि आपकी कल को जब आप इंग्लिश में तुम्हारे दोस्तों है आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको बड़ी सारी है इसमें हेल्प मिलेगी। हाँ जी, इट इज ए ट्रीट टू वॉच हिज इंटरव्यूज, वेरी गुड। हाँ जी ठीक है, तो इनका हेयर स्टाइल हो चाहे हमारा एक भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, और चलिए जी आगे चलते हैं दोस्तों, और इसी के साथ हमारा जो दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा जो सेक्शन है कंप्लीट होते ही ठीक है अब हम हिमाचल स्पेशल की तरफ जाएंगे। दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज हैं और साथ ही साथ नया गिरिराज भी आ चुका है, उसके भी जो महत्वपूर्ण है वन लाइनर्स हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले है जल्दी से बता दीजिए ठीक है कि आपकी तरफ से जो है मुझे ग्रीन सिग्नल है या नहीं, और है ऑल क्लियर है या नहीं, और इस वजह से हम आगे बढ़ पाए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और गोल्डी जी को है सुनंदा पुष्कर याद आ गई ठीक है, इनकी भूतपूर्व जो पत्नी थी ठीक है उनके मर्डर केस में है, अब वो बरी हो चुके हैं ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो वेरी गुड कुणाल आदि मानव जी, और जो है हाँ जी ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इन्होंने बड़ी अच्छी है जो एक स्पीच भी दी थी ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत उम्दा जी ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ ठीक है, ग्रीन सिग्नल है आपकी तरफ से। तो आज की जो पहली न्यूज है मैंने आपको बताया भी था, पूछा भी था, किसी बच्चे ने बताया नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे केमिकल फ्री एग्रीकल्चर की, तो सरकार का फैसला है कि 1.5 लाख और किसानों को ठीक है, और ज्यादा किसानों को जो हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, क्योंकि इससे जो है एग्रीकल्चर से जुड़े जो फार्मर्स हैं उनकी आय बढ़ सकती है। तो यहां पर आपको ये जरूर पता हो कि इससे जुड़ी जो स्कीम है हिमाचल गवर्नमेंट की उसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। यहाँ पर मैं बच्चों को इसी हफ्ते किसी भी दिन एक सरप्राइज टेस्ट ले सकता हूँ हिमाचल की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको लेकर, तो आपको जो है उसके लिए तैयार रहना है। बहुत सारी स्कीम्स हैं चाहे वो बच्चों से जुड़ी हो, वुमेन से जुड़ी हो, किसानों से जुड़ी हो, सभी आपको है अलग से लिख लेनी है। तो ये प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो किसान है उन्होंने 9,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती अपनाई भी। और अब इस वर्ष है गवर्नमेंट चाहती है कि 1 वर्ष में हम 1.5 लाख और जो किसान है उसे हम कवर करें और 12,000 हेक्टेयर भूमि को है दोस्तों प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लेकर आया जाए, ताकि किसानों की जो आय है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के आधार पर भारतीय नस्ल की गाय के बल 50% की है सब्सिडी भी देती है। मतलब अगर आप इस स्कीम के तहत कोई किसी भी भारतीय नस्ल की गाय जो है, जो इंडियन काउज हैं ठीक है, अब जैसे मुझे एकदम से माइंड में नहीं आ रहा उनका नाम, जैसे दोस्तों जो है हम बोलते हैं कामधेनु इज वन ऑफ देम ठीक है, और भी 3-4 तरह की बड़ी मशहूर जो देसी गायें हैं भारतीय नस्ल की हैं, अगर आप उसे खरीदते हैं तो 50% है गवर्नमेंट है अपनी तरफ से देगी। अब ज्यादातर लोग उसे क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि जो है हम कहीं दूध की जो प्रोडक्शन है वो एज कंपेयर टू हम बोलते हैं जो फॉरनर जो काउज है उनसे बड़ा कम है, लेकिन कहा जाता है कि जो भारतीय काउज है इंडियन काउज है उनका जो दूध है वो माँ के दूध के समान है, इस वजह से उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत ही ज्यादा बेटर है, लेकिन लोग प्रोडक्शन की वजह से कम खरीदते हैं। जर्सी फॉरनर है विशाल ठाकुर जी ठीक है, उसे हम भारत, हालांकि विशाल जी साहीवाल जो इंडियन है, बिल्कुल साहीवाल है, कामधेनु है, सारी की सारी इंडियन ब्रीड्स हैं, और अधिकतम 25,000 तक 5,000 है यातायात शुल्क के तौर भी दे रही है, बड़ी सारी और सब्सिडीज दे रही है जो है जयराम गवर्नमेंट, और इसका जो बेनिफिट है आप भी ले सकते हैं और आप किसी और को बता भी सकते हैं ठीक है। फिर सर ज्यादा जो है मक्खन ज्यादा होता है, हाँ जी ठीक है जी महेंद्र सिंह जी, और इसके बाद है हमारा जो है गिरिराज, गिरिराज को भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, गिरिराज से जुड़े 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसमें से कई सारे प्रश्न तो आपको पता भी होंगे क्योंकि हमने रेगुलर है पढ़ा है। इसरो के नए चेयरमैन है वो कौन बने हैं, एस सोमनाथ हैं जो इसरो के नए चेयरमैन हुए हैं। पंच सिद्धांतिक किस शास्त्र के 5 सिद्धांतों से संबंधित है, दोस्तों ये ज्योतिष से संबंधित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में है।
जो है गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को डेडिकेटेड है। फिर चौथा प्रश्न है कौन से वॉयस रॉय ओवन मेरीडिथ उपनाम से हैं कविताएं लिखते थे, दोस्तों वो लिखते थे लॉर्ड लिटन। फिर भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो दोस्तों ये कहा जाता है कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हिंदी में इसे कहते हैं, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। फिर छठा प्रश्न है कुंचीलक झरना किस राज्य में है, ये कर्नाटका में है। फिर भारत का पहला समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दोस्तों दैट इज कच्छ की खाड़ी। फिर आठवां प्रश्न भारतीय पंचवर्षीय योजना का आर्किटेक्चर है, ये कहा जाता है पीसी महालोनोबिस, यहां पर पीसी महालोनोबिस को कहा जाता है जी, बिल्कुल ठीक है। फिर नवा प्रश्न राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी को हुई थी, ठीक है। फिर दसवां मानव शरीर में जो जो विटामिन कहां भंडारित होता है, ये होता है दोस्तों यकृत, यकृत में, ठीक है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा समझ सकते हैं, अब मुझे खुद नहीं पता कि ये हमारे किस बॉडी ऑर्गन को बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 11वां प्रश्न घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है, ये जो जाना जाता है दोस्तों एरिना। 12वां प्रश्न है हिमाचल के किन 2 शहरों में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, प्रीपेड तो ये लगे हैं शिमला एंड धर्मशाला में। अब प्रीपेड का मतलब है कि अगर उनमें रिचार्ज होगा तभी आपके घर में बिजली होगी, हाँ जी ठीक है, लीवर, वेरी गुड। फिर 13वां प्रश्न है हिमाचल ने अपने पूर्ण राज्यों के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो हिमाचल ने अपने जो है दोस्तों 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1971 में है वो जो दोस्तों स्टेटहुड मिला था, तो 1972 में 1 वर्ष पूरा हुआ और 2022 में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इसी वजह से हम उस दिन नेशनल टूरिज्म डे भी पूरे भारत वर्ष में है सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आपके अकॉर्डिंग एक प्रश्न है आपसे भी, टूरिज्म डे है तो आपके अकॉर्डिंग है हिमाचल में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है घूमने के लिए, वो भी जल्दी से बोलें। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है दुग्ध जो है दूध उत्पादन के लिए प्रदेश की किस संस्था को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया कामधेनु हितकारी मंच नमहोल को। और 15वां प्रश्न है प्रदेश के किन 2 उत्पादों को वर्ष 2021 में जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला, तो दोस्तों ये है पुणे व चंबा की चप्पल को, ये है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला था। तो ये 15 क्वेश्चन है, और आप सबको पता है कि जो है पूरे हफ्ते में मैं एटलीस्ट 3 या 4 बार मैं रिपीट करूंगा, आपको भी इन्हें एक बार जरूर है रिवाइज करना है, और ताकि ये जो 15 क्वेश्चन, क्योंकि सरकारी न्यूज़पेपर है और सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इससे जुड़ी ये जो न्यूज है, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हिमाचल न्यूज में तो बड़ी सारी जो न्यूज है मैं गिरिराज से ही आपके लिए कवर करता ही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको भी लगातार इन्हें रिवाइज करना है, एक हफ्ते 15 क्वेश्चन जब 3-4 बार पढ़ लेंगे तो जो है दोस्तों वो इजिली आगे हमारे लिए किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसे हम इजिली कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो रहा है, जो है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा आपको, और जो है अगर डाउट है तो जल्दी से आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगले 10 से 15 सेकंड आपके पास हैं, और अभी लास्ट में फिर जल्दी से हम रिवीजन शुरू करेंगे। और रिवीजन क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि रिवीजन बड़ा जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया जी। तो देवभूमि हिमाचल है पूरा ही अच्छा है, वेरी गुड नैन, जो है बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर, और मेरी जगह है सर क्या क्या है बताओ। चलिए ये क्वेश्चन टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हैं, हाँ जी जो कामिनी शर्मा, हाँ जी। चलिए आपने जो है एक और प्रश्न है मेरे आगे रख दिया ना, आप खुद आपने किसी ने नहीं बताया, और महेंद्र सिंह को है शिमला जो है वो पसंद है। चलिए दोस्तों रिवीजन की तरफ चलते हैं, और जो रिवीजन है वो जुड़ा है जो है यहाँ पर, चलो कई सारे बच्चे चले जाते हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न जो है बच्चों ने पूछा था कि आप एक प्रश्न जरूर देखे जाएंगे, तो आपसे प्रश्न भी पूछ लूं, ठीक है, ताकि जो है ज्यादा बच्चे ना जाए। दोस्तों प्रश्न है कि ये जो 3 क्वेश्चन है ना जो आपको अम्ब्रेला स्कीम्स बताई हैं, मिशन शक्ति, मिशन पोषण और मिशन वत्सल्या, अब आप सबको बताया था कि जो शक्ति स्कीम है ये एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन से जुड़ी है, वत्सल्या जुड़ी है चाइल्ड प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम से, और मिशन पोषण से जुड़ा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान, ये सारे के सारे। आप जो है मुझे जो है जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ठीक है, जो इनके तहत आएंगी, जो ये स्कीम्स, ये अम्ब्रेला स्कीम्स कवर करेंगी, तो वो मुझे है कल तक है पता करके बताएं, ठीक है। तो बजट में उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा, आपको खुद जो है आइडिया है, सबसे पहले स्कीम्स ढूंढनी पड़ेंगी,
और आपके आइडिया से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो स्कीम है मिशन शक्ति के अंडर आ सकती है, ये वत्सल्या के अंडर आ सकती है, या फिर ये मिशन पोषण 2.0 के अंडर आ सकती है। तो जो है ये पूरी की पूरी जो है लिस्ट आपके पास कल होनी चाहिए, ये मैं आपसे कल पूछूंगा, ठीक है। फिर जो है दूसरा जो प्रश्न था दोस्तों, ये स्कीम्स के बाद दूसरा प्रश्न था हमारा भारत और जो ओमान को लेकर डिफेंस कमेटी की मीट हुई दिल्ली में, वो पढ़ा। फिर हमने बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट हुआ जो उड़ीसा में कटक में, उसके बारे में बात करी। फिर चौथा जो प्रश्न था वो यूनिकॉर्न कंपनी सीएसके है, नई यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करी। बजट के बारे में है, अच्छे से हमारी बात हुई है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ भी आया होगा। और कल भी आप डाउट पूछ सकते हैं अगर डाउट हो किसी भी तरह का। फिर जो है दोस्तों जो है छठा जो प्रश्न है वो था हमारी सेहत स्कीम से जुड़ा, जिसमें जो वेटरन्स हैं या डिफेंस से जुड़े जो लोग हैं उनको होम डिलीवरी की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा मेडिसिन की। फिर नीरज चोपड़ा, सिंधु, बीबी रवि दहिया का जो है स्टैच्यू लगेगा। या फिर जो है हम बात करें सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो कि केरला से जुड़ा, और बहुत सारी जो वहाँ की ओपोजिशन पार्टीज हैं वहाँ उसका विरोध भी कर रही हैं। और साथ ही साथ है यहाँ पर जो है खत्म करने से पहले कुछ पढ़ लूँ जो है स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, इसको भी मैं हर रोज, मैंने सोचा है कि 20-25 सेकंड का मैं समय दूंगा हर रोज ताकि स्टूडेंट्स अपनी जो है क्वेरीज यहीं पर हैं सॉर्ट आउट कर सकें। और यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा महेंद्र सिंह को, बादाम खीर खाएं या ना खाएं दोस्तों, जो है आपको जो है ये फ्रस्ट्रेशन जैसी जो चीज़ें हैं जरूर खानी पड़ेंगी, जो आज के हमारे थॉट ऑफ द डे में भी था, क्योंकि जब हम फ्रस्ट्रेशन खाएंगे तभी हमारी जो 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 हमारा लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर पाएंगे। फिर जो है यहाँ पर जो है बच्चे थैंक यू ही बोल रहे हैं, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर। हाँ जी बिल्कुल सर, 85 है ये जो 85 यूनिकॉर्न है, 31 दिसंबर तक की लिस्ट है, उसके बाद ये इंक्रीज भी हो ही जाएंगी। हाँ जी ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हर रोज की तरह है जो है प्रदीप कुमार बोल रहे हैं कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और साथ साथ पढ़ते भी रहें, ठीक है। और जो जो है मानसी इज ऑन डिमांड है, और न्यू यूनिकॉर्न 286 हो गया है, बिल्कुल जी। फियर एंड फ्रस्ट्रेशन आर द फेलो पैसेंजर्स। चलिए दोस्तों आपके जो है ये विचार हैं ऐसे ही बने रहें, अपनी जिंदगी में आप बेहतर कर सकें इसी उम्मीद से है। कल फिर आपसे समझ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों है अपनी पढ़ाई है उसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।